पूरे 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक ये एक बच्चा नहीं दे पाई। अब तो तुम्हारी छोटी बहन के भी बच्चे हो गए। माँ, आप घर में आते ही शुरू हो गए। मैंने आपको बोला था ना कि इस बारे में कोई बात मत करना। तुझे नहीं करनी तो मत कर, लेकिन मैं तो करूँगी। नहीं, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे तेरे लिए, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान लेता ना, तो आज मेरे घर में भी पोता पोती खेल रहे होते। मैं ये सामान अंदर रख देती। माँ प्लीज, आप क्यों उसे बार बार इस बारे में टोकते रहते हो? और शादी से पहले मुझे पता था कि दिशा माँ नहीं बन सकती, लेकिन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझे पता था तो फिर शादी क्यों करी? क्योंकि मैं दिशा से प्यार करता हूँ, और आज के बाद ना आप उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, और ना ही इस बारे में कभी कोई बात होगी। अरे वाह, खीर बन रही है। आज कुछ स्पेशल है क्या मम्मी? हाँ, सोसाइटी के बच्चों का फंक्शन है, उन्हीं के लिए बना रही हूँ। अच्छा, छूना मत। मम्मी, मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है हेल्प करने की, मैं खुद कर लूँगी। तुम्हारे हाथ का बना बच्चे खाएंगे, उन्हें कुछ हो गया तो? खुद के तो बच्चे नहीं हैं, दूसरों के बच्चे भी खा जाएंगे। तुम्हारे हाथ का बना बच्चे खाएंगे, उन्हें कुछ हो गया तो? खुद के तो बच्चे नहीं हैं, दूसरों के बच्चे भी खा जाएंगे। क्या हुआ? छूना मत, छूना मत। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रहे हैं। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ? वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है, प्रमोशन आगे मिल जाएगा। अच्छा, और आपको पता है मुझे क्या लगता है? इसके जिम्मेदार ना आप हो। मैं? कैसे? आप ही तो कहते थे ना कि दही शक्कर खा के जा, प्रमोशन हो जाएगा। और आप तो मेरे प्रमोशन के लिए पूजा भी करने वाले थे ना। मुझे लगता है वो पूजा आपने ढंग से की नहीं। क्या हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है? कुछ भी नहीं बोले जा रहा हूँ। जब से आप मुंबई आए हो ना, तब से मेरी पूरी लाइफ गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया है तुझे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे ऑफिस जाता है तू, काम करता है तू, और सारा ब्लेम कर रहा है मुझे। जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है, उसके लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है तू? एग्जैक्टली माँ, एग्जैक्टली। मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो चीज दिशा के बस में ही नहीं है, आप क्यों से बार बार उस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हो? अगर आपको बच्चे ही चाहिए तो बच्चे हम अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। उनको एक घर मिल जाएगा और हमें खुशी। आपको पता है, आपको पोता पोती ना दे पाने का दुख ना दिशा को आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप उसे टॉन्ट मारते रहते हो। और वो बेचारी शादी से पहले कहती थी कि आप समझ जाओ। तो ठीक कह रहा है बेटा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ना जाने मैंने उसे क्या क्या कह दिया। माँ, अगर आप अब भी सब कुछ समझ गए हो ना, तो वो भी बहुत है। बेटा मुझे माफ कर दो। Blame game is the easiest game we all can play, but it cannot build a constructive society. Try and change that. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।